शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। राक्षसों ने इसका मतलब सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो गया ना। 500 फीट की ऊंचाई से गिराया है उसे श्रेय, और इतनी ऊंचाई से गिराया है अंतिम संस्कार के लिए बॉडी भी ना मिले। उस जंगल में जंगली जानवर बहुत है यार। गहना और गौरव को एक दूसरे से अलग करना है बस। गहना को तो तुम मार नहीं पाए, कम से कम गौरव के दिल में से तो गहना को मार दो। मैं तो उसे मारी देती, पर कोई बड़ी शक्ति उसके साथ थी। शक्ति? कौन सी शक्ति? अच्छा हुआ जो आपने इसे सही वक्त पर बचा लिया, वरना वहां कहीं जंगली जानवर इसे काट के नोच के खा जाते हैं। इसे उठाओ और जंगल के बाहर ले चलो। अनर्थ, फोन की लोकेशन तो यही बता रही थी। गहना, गहना कहाँ हो तुम? गहना, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। गहना, तो गहना का फोन है। गहना, 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 गहना कहाँ हो तू? देखो तुम्हारा दूल्हा तुम्हें लेने आया है। गौरव, हम तुम्हारी दुल्हन आज भी बनना चाहते हैं गौरव। हम अलग हुए ही नहीं है गौरव। Oh,
क्या हुआ? ऐसे टकटकी लगाकर क्या देख रहे हो? दिल में तो तुम बसी हो गहना, बस तुम्हें आंखों में बसाना चाहते हैं ताकि तुम हमसे दूर कभी हो ही ना पाओ। गौरव, हम तुमसे दूर कहीं गए ही नहीं हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी परछाई बनकर। लेकिन तुम बस हमें तुम्हारे साथ अंधेरों में नहीं पाओगे, लेकिन हमें इस बात का कोई डर नहीं है क्योंकि हमें तुम पर पूरा विश्वास है। तुम हमारी जिंदगी में अंधेरा कभी होने ही नहीं दोगे। अब बस करो गौरव, क्या देखे जा रहे हो? इतना मत देखो हमें, हमें नजर लग जाएगी। और वो कहते हैं ना कि अपनों की नजर सबसे पहले लगती है। तो फिर तुम्हारी तुम्हारी नजर ही उतार देते हैं। उसी शक्ति का पता लगा रही हूँ मैं। ये सब करने की ना कोई जरूरत नहीं है, गहना तो मरी चुकी है। कुछ करना है तो गौरव का करो, कुछ ऐसा करो कि गौरव सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाए, समझी? तो यहां मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपना ये काला जादू करो और पता करो कि क्या हो सकता है। एक काम हो सकता है, पर उसमें दो बातें होंगी, या तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा या फिर तुम्हारा तुम्हारे परिवार का सब कुछ लुट जाएगा। लुट जाए मेरा सब कुछ, लुट जाए मेरे परिवार का सब कुछ लुट जाए, लेकिन गौरव किसी भी हाल में मेरा होना चाहिए। ठीक है, कोई तो इस पर काला जादू कर रहा है, तभी तो इसकी ये हालत हुई है। पता नहीं भगवान क्या चाहता है जो इसे मेरी चौखट पर भेज दिया है। क्या है इसकी नियति, क्या है इसका भविष्य? रक्त दे रही हूं, ग्रहण कर। We'll be right back.
ये किस रास्ते पर आ गए हैं हम? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? हेलो गौरव, आज पुलिस ने हमें एक लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया था। शुक्र है वो लाश अपनी गहना की नहीं थी। पता है गौरव, हम तो सहम गए थे कहीं ऐसी खबर गहना की आई तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी गहना को कुछ नहीं होगा। हमारी गहना को, हमारी गहना मर नहीं सकती। हमारी गहना हमारे पास जरूर लौटेगी। चिंता मत कीजिए, कहना को कुछ नहीं होगा, कहना मिल जाएगी हमें। ये कौन सा रास्ता है? गहना से मिला तो महादेव, बस कीजिए आप। 4 घंटों से दिया फेर रही है, इसका बचना मुश्किल है। बचना मुश्किल होता तो इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद भी नहीं बचती, अपने दर तक नहीं आती। इसकी सांस अब भी चल रही है, कोई तो है जो इसकी सांसों से जुड़ा हुआ है। किसी का निस्वार्थ प्यार जिसने इस लड़की को जिंदा रखा है, और ऐसी नेक रूह के लिए इस लड़की को जिंदा रखना ही होगा। इसकी सांसें लौटा दो महादेव, जगाओ इसे मूर्छित अवस्था से। जागो महादेव, जागो। Shiva, 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 Shiva.
गहना से मिला तो महादेव, हर हर महादेव। रक्त दे रही हूं, ग्रहण करो। गौरव को लौटना मुश्किल है। क्यों, क्या हुआ अचानक से? और ये हवन कुंड की आग क्यों बुझ गई? क्योंकि गौरव का प्रेम उस लड़की के लिए सच्चा है। और सच्चे प्रेम के आगे यम भी अपना फैसला बदल देते हैं। गौरव को बस में करना आसान नहीं होगा। आज सिंदूर लगा है, कल को मुंह पर खून भी लग सकता है, कई तरह के दर्द भी सहने पड़ सकते हैं। तैयार हो? तैयार हूं। तो फिर ठीक है, हर दर्द को हंसकर गले लगाती जाओ। तुम्हारे पास अब पूरे 30 दिन हैं। जैसा जैसा मैं कहूंगी बस करती जाना। गौरव सिर्फ तुम्हारा होगा। तुम बस बताते जाओ कि करना क्या है। पापा जी आप यहां क्या कर रहे हैं? हम वो उर्वशी से मिलने। अरे वो श्लोक को आपसे कुछ जरूरी काम था, वो आपको ढूंढ रहा है, आप जाइए बात कर लीजिए उससे। ठीक है। श्रेया, उर्वशी का ख्याल रखना, इस समय वो बहुत तकलीफ से गुजर रही है। पापा जी, उर्वशी दीदी कहाँ भागी जा रही है? आप पहले जाइए ना, श्लोक से बात कर लीजिए, वो इधर उधर ढूंढ रहा है आपको। तकलीफ? सबसे बड़ी तकलीफ तो खुद उर्वशी दीदी है। जब आपको पता चलेगा ना पापा जी कि गौरव को पाने के लिए ये उर्वशी दीदी क्या क्या कर रही है, तो आपकी तकलीफ और दुगनी हो जाएगी। हमारी गहना को लौटाना होगा महादेव, लौटाना होगा। जा, तेरी पुकार स्वीकार हुई, बाबा तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएंगे।
तुमने महादेव का भोग गिरने से बचाया, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। अब आशीर्वाद दिया है तो भंडारे में सेवा करने का एक एक मौका भी दीजिए। आ जाओ। गौरव, हमारा गौना, मेरा खाना है, हम आएंगे। जी बड़े साहब। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।